गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। अब एक उससे आगे एक टॉपिक पढ़ते हैं, फील्ड व्यू ऑफ फिश। फिश जो है वो आउटर वर्ल्ड को कितना देख पाती है, ठीक है, वो हमें एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है। कंसिडर करते हैं कि इस पॉइंट पे फिश है, ओके, और वो आउटर वर्ल्ड को जब देखेगी तो यहाँ से जो लाइट है वो मीडियम को क्या करेगा, चेंज करेगा, मीन्स डेंसर से रेयर में। मीन्स यहां पे मान लेते हैं मीडियम फर्स्ट मान लेते हैं एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है वो 1 है। यहां मानते हैं मीडियम सेकेंड क्या है, वॉटर, ओके, और वॉटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.33 या 4/3 भी हम बोल सकते हैं, क्लियर। तो फिश जो है जब वो यहां से देखना स्टार्ट करेगी, मान लो यहां से एक रे इंसिडेंट होती है इस इंटरफेस पे, तो अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्रिटिकल एंगल मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो लाइट रिफ्रैक्ट होगी और वो आउटर पार्ट को देख पाएगी, ठीक है। अगर जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90। मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आएगा यहाँ पे, 90। अगर आप एंगल इंसिडेंस एंगल से या कहीं क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा का एंगल लेके चलते हैं तो जो लाइट है वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मीन्स अगर इससे आगे अगर आप किसी लाइट को इंसिडेंट करवाते हो तो वो लाइट है वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मीन्स उसको आउटर पार्ट दिखाई नहीं देगा। ये जो फेस है ये एज ए मिरर काम करेगी इसके लिए, क्योंकि मिरर पे ही लाइट जब टकराती है तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल तक का व्यू उसको दिखाई देगा, इस साइड भी सेम, जैसे इधर हमारे पास आई इज इक्वल टू सी है, यहाँ भी हम जब लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो आई इज इक्वल टू सी जब हमारे पास कंडीशन आएगी तब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाएगी, 90। मीन्स अगर हम देखें ये जो डायग्राम है ये हमारे पास 2D के अंदर है, 2 डायमेंशन, ओके, अरे फिश जो है वो किस में देखेगी, 3 डायमेंशन में, फिश है वो 3 डायमेंशन में देखेगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एक कोन बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी क्रिटिकल एंगल होगा, यहाँ भी क्रिटिकल एंगल, यहाँ भी क्रिटिकल एंगल, तो एक क्या बनेगा, एक कोन बनता है, ये इन्वर्टेड कोन है, ये इन्वर्टेड कोन, और ये हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड कोन की रेडियस, ये इसका बेस हो गया, ठीक है, आर इज द रेडियस, ओके। तो हम इसका एक डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, लेट्स डू इट। देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फिश कैन सी टिल आई इज इक्वल टू सी, मीन्स फिश है वो आई इज इक्वल टू सी, मीन्स जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल तक होगा तब तक वो उस पार्ट को देख पाएगी, जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो आउटर पार्ट को नहीं देख पाएगी, क्लियर। हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c, ये फॉर्मूला हमने पहले डिराइव भी किया है, क्लियर। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एंगल सी है, क्रिटिकल एंगल, क्लियर, तो यहाँ पे साइन सी, तो साइन सी क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एंगल के सामने की जो हमारे पास ये जो हमारे पास डिस्टेंस है क्या है, आर अपॉन, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास क्या आएगा, दिस स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का रूट, तो ये हमारे पास आ गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसका रूट, क्लियर। तो ये साइन सी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, देखो यहाँ से हमने जो इसको जो आप ट्राइंगल भी मान सकते हैं, इसको मान लो ओ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है, लिख लो फ्रॉम ट्राइंगल, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी साइन सी, साइन सी क्या आएगा आपके पास, देखिए आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्लियर, यही तो आएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास ये है ही, ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका हाइपोटेन्यूज, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसको, ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन सी
इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से पुट कर देते हैं वैल्यू, ये पुट यहाँ, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो एन इज इक्वल टू वन अपॉन साइन सी की वैल्यू, देखो ये हमारे पास साइन सी की वैल्यू है, पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट। क्लियर? अब इसको फर्दर हम सोल्व करते हैं, देखिए क्या आपके पास वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपके पास बनेगी एन इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट अपॉन आर। ओके, ये वैल्यू आपके पास आई। इसको फर्दर सोल्व करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ से रब कर लेते हैं इसको, तो क्या वैल्यू बनेगी देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एन आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट। क्लियर? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा, एन स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर? आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं, एन स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखिए ये वैल्यू आई आपके पास डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। क्लियर? ये आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आर आपके पास क्या आएगा देखिए, डी अपॉन रूट एन स्क्वायर माइनस वन, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। क्लियर? ये हमारे पास ये जो आर है इसकी वैल्यू आई है आर। ठीक है, हम ये कंप्लीट एरिया भी तो निकाल सकते हैं, कंप्लीट एरिया, तो कंप्लीट एरिया क्या आएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर का यूज करके हम कंप्लीट एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहां से जो एरिया आएगा उसको भी हम लिख लेते हैं, एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? सो ए इज इक्वल टू पाई, ये हमारे पास आर है ही, तो आर स्क्वायर क्या आएगा, डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। तो ये वो एरिया है जो फिश है वो आउटर वर्ल्ड में देख पाएगी, ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस वन। एन हमारे पास क्या है, डिफेक्टिव इंडेक्स, डी अपने पास क्या है, ये जो डेप्थ है ये डी है हमारे पास। ठीक है, और पाई एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वन इज कॉन्स्टेंट, तो इस टाइप से हम एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर? डायग्राम में हम लोग ये देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अगर वो क्रिटिकल एंगल से कम है तो जो लाइट है वो दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मीन्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। एक ऐसा एंगल आएगा जिस पे जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90, मींस जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल हो जाएगी इंटरफेस के, और उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अगर इससे ज़्यादा का एंगल हम लेंगे तो लाइट है उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फिश का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो एक कोन की शेप का है, मीन्स अगर जो बाहर से जो लाइट आएगी वो इस टाइप से ही आएगी फिश के पास। ठीक है, आउटर पार्ट जो लाइट आएगी वो फिश के पास इस टाइप से आएगी कि उसको एक कोन टाइप शेप दिखेगी। ठीक है, इससे जो इधर वाला पार्ट है, इधर और ये उस साइड, ये उसके लिए एज ए मिरर बिहेव करेगा, क्योंकि लाइट यहाँ से अगर हम इंसिडेंट करवाते हैं इस फेस पे तो लाइट है वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके आएगी। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू फॉर फिश, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस